नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से उस गांधीवादी युग की ओर, जहां पर अब भारत की राजनीति में गांधी जी का प्रवेश शुरू हो रहा है। गांधी जी वो जिन्होंने भारत की राजनीति को उस दौर में संभाला जब भारत के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ वृद्धावस्था की ओर, अपने मृत्यु की ओर जा रहे थे, और उस दशा में जो एक शून्यता दिख रही है, जो एक जगह का खाली होना है, उसकी भरपाई के लिए एक बड़े ताकतवर, और ताकतवर का मतलब शारीरिक ताकतवर नहीं है, मानसिक ताकतवर नेता की आवश्यकता है। 1915 का वो दौर है जब हमारे गांधी जी भारत आ चुके हैं, साबरमती आश्रम बना चुके हैं। अपने राजनीतिक गुरु जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है, उनके बताए गए रास्ते पर चलते हुए अब वो भारत के अलग-अलग इलाकों का दौरा करते हुए पहुंच रहे हैं लखनऊ के उस सम्मेलन में, जहां पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल सभी लोगों का एक प्रकार से समायोजन संयोजन हो रहा है, कलेक्शन जिसे कह लिया जाए। तो सब एक साथ एक जगह कलेक्टिव मोड पर आकर भारत की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तिलक जी का एक ओजस्वी भाषण चला है यहाँ पर, जिसमें तिलक जी ने बिल्कुल साफ अक्षरों में कहा कि लोग मुझे कहते हैं, मुझे मानते हैं कि मैं एक ऐसे नेता के तौर पर हूँ जो एक धार्मिक नेता है। अगर मैं धार्मिक नेता हूँ तो मैं अपने मुसलमान मित्रों का, अपने मुसलमान देशवासियों का सहयोग कैसे, उनके साथ कैसे रह सकता हूँ। तो ये आरोप गलत है। और अभी वो अपनी कुछ और बातों को कहते कि अपने उन्होंने दो साथियों को, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर भाषा, तिलक साहब ने सिर्फ यही नहीं कि धर्म की बात कही, बल्कि उन्होंने यहाँ पर भारत की विविधता जो कि एकता में बदलना है उसके लिए भी बड़ी चढ़कर बात की है। साउथ इंडिया के एक लीडर जब खड़े हुए अपना भाषण देने के लिए, तिलक साहब का भाषण खत्म हो गया है, तो साउथ इंडिया के जो सुब्रमण्यम साहब हैं, जो कि तिलक दा अपने भाषण की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक तमिल नेता हैं, तो हमारे तिलक साहब बीच में खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप अपनी बातों को तमिल भाषा में ही रखें और अपनी भाषा में बोलें, क्योंकि इस देश की जो भाषाएं हैं, जो अलग-अलग भाषाएं हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश एक है, इस देश की सोच एक है। तो तिलक साहब का जो एक ओजस्वी भाषण रहा है 1916 के इस अधिवेशन में, उसका बड़ा प्रभाव गांधी जी पर दिखाई पड़ता है। खैर, हम लोग ये भी चर्चा कर चुके थे कि मीटिंग के बाद नेहरू साहब और हमारे गांधी जी महमूदाबाद पैलेस में इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक बिहार का इलाका जिसे चंपारण कहा जा रहा है, वहाँ के आए हुए एक लोकल लीडर से होती है, जिन्हें हम लोग राजकुमार शुक्ला के नाम पर जानते हैं। और राजकुमार शुक्ला अब गांधी जी के पीछे चल पड़े हैं, वो गांधी जी को चंपारण चलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो अलग बात रही कि गांधी जी अभी भी गोखले साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए भारत का दौरा करना चाहते हैं, भारत के बारे में जितनी ज़्यादा और जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन राजकुमार शुक्ला भी एक ज़िद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, गांधी जी जहाँ जहाँ पहुँचते हैं तिलक साहब वहाँ वहाँ उनका पे सॉरी राजकुमार शुक्ला साहब वहाँ वहाँ उनका पीछा किए हुए हैं, तो वो उनका साथ छोड़ना नहीं चाह सो छोड़ नहीं रहे हैं, और तब तक उन्होंने साथ पकड़ रखा है जब तक गांधी जी के द्वारा हाँ न बोल दिया जाए। तो कुल मिलाकर अब हमारे राजकुमार शुक्ला गांधी जी से हाँ बुलवाने और उनको चंपारण ले जाने का एक जो व्रत ले चुके हैं वो पूरा कर रहे हैं, और वो पीछे पीछे लगे। फाइनली गांधी जी चंपारण चलने के लिए हामी भर देते हैं। अच्छी इसी दौरान एक और हम लोग बात कर लेते हैं, एक सवाल हमारे पास आया है, और सवाल ये एक बच्चा जिसे अनुज के नाम पर जाना जाता है, तो अनुज ने एक सवाल पूछा है कि सर, एक भवानी मंदिर जो किताब है, जिसे कि शायद मैंने बताया है कि भूपेंद्र नाथ दत्त ने लिखा है, वो तो मैंने जो पढ़ा है वो बरिंद्र घोष लिखा है। ध्यान रखिएगा, भवानी मंदिर, यहीं पर हम आपको बता दें, भवानी मंदिर दो अस्तित्व रखता है, ठीक है ना, हम लिख कर आपको बता रहे हैं ताकि आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर लें। तो जो भवानी मंदिर नाम की मैगजीन है, जो पत्रिका है, इस पत्रिका को लिखा है B.N. दत्त साहब ने, ठीक है ना। तो मैंने पत्रिका का नाम बताया होगा और शायद बोला भी होगा पत्रिका, जो मैंने सुना है उसमें मैंने पत्रिका ही शब्द का उल्लेख किया है। तो जो भवानी मंदिर नाम की पत्रिका है वो B.N. दत्त ने
संपादित किया उसको लिखा है। भवानी मंदिर नाम की किताब जो है, जो बुक लिखी गई है, अब हम लोग यहाँ पर किताब लिख दें, समझ तो जाएंगे ही आप। तो जो किताब लिखी है ये बरिंद्र घोष ने लिखी है, तो ठीक है ना, तो आपने गलत नहीं पढ़ा है, पढ़ा आपने सही है, खाली शब्दों में थोड़ी सी एक परेशानी शायद सुनने में या समझने में आई है। तो भवानी मंदिर पत्रिका जो है वो बी एन दत्त, मैगजीन ऑफ भवानी मंदिर, रिटन बाय और एडिटेड बाय बी एन दत्त एंड बुक वॉज रिटन बाय बरिंद्र घोष, ठीक है ना, इससे परेशान कतई मत होइएगा। ठीक वही परेशानी है जैसे एक किताब जिसका नाम यंग इंडिया है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यंग इंडिया नाम की किताब जिसने लिखी है वो व्यक्ति हैं, वो महानुभाव हैं, लाला लाजपत राय, ठीक है। और यंग इंडिया नाम की जो मैगजीन है वो मैगजीन लिखी है महात्मा गांधी ने, तो एक ही नाम के दो अलग अलग अस्तित्व हैं और दोनों लोगों के जो लेखक और संपादक है वो अलग अलग है, वही कुछ यहाँ पर भी है, ठीक। तो इससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और हमें लगता है कि अनुज जी को अपना आंसर मिल गया होगा और उन्होंने अपने आंसर को ठीक कर लिया होगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छी बात ये कि आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कंसल्ट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़े, क्योंकि पढ़ने से ही और मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होगी, चाहे वो आज की मेहनत परीक्षा को लेकर हो या गांधी जी का राजनीतिक महत्व या गांधी जी का राजनीतिक कद या किसी भी व्यक्ति का कोई भी बड़ा राजनीतिक कद मेहनत से ही मिलता है, बिना मेहनत के नहीं। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी साहब ने भी बड़ा जीवन में संघर्ष किया हुआ है, तब आज वो इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं। तो कोई भी आप कुछ भी बनना चाहें बन सकते हैं, लेकिन एक संघर्ष का दौर होता है जिसे करना पड़ता है, जिसमें युद्ध की परिदशा होती है, आपके लिए भी है। तो आपके लिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा युद्ध है, उसके लिए खूब तैयारी करिए और उसके बाद अपने एग्ज़ाम को दीजिए और बढ़िया से एक अधिकारी के तौर पर आप अच्छी जगह पर पहुंचिए, ठीक है। चलिए साहब, तो हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं, तो राजकुमार शुक्ला अब गांधी जी को तैयार कर चुके हैं कि वो उनके साथ चंपारण चलें। फाइनली गांधी जी भी अब चंपारण चलने के लिए तैयार हो बैठे हैं और अब दोनों लोग चल पड़े चंपारण। देखिए चंपारण की अगर बात करें तो चंपारण है कहाँ पर, तो देखिए वर्तमान समय में चंपारण आपका बिहार में है, ठीक है, वर्तमान समय चंपारण आपका वर्तमान समय में बिहार में है, लेकिन ये उस ज़माने में आपका बंगाल में हुआ करता था, वो बंगाल जो कि बंटवारा में आ चुका था लेकिन 1911 में फिर से बंगाल को एक कर दिया गया है, तो फिलहाल ये बंगाल में आने वाला इलाका है, तो उस ज़माने का बंगाल था, आज के ज़माने का आपका बिहार का इलाका है। एक दौर में बंगाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो खेती बड़ी मात्रा में की जाती है वो आपका धान है जिसे चावल कहा जाता है, वो आपका कपास की भी अच्छी खेती की जाती है यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर नील की खेती की जाती है, ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नील की खेती का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है ना, तो नील की खेती की बात की जा रही है। और एक ज़माने में भारत से जो नील लिया जा रहा है, जो इंडिगो है, वो बड़ी मात्रा में लिया जाता, उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली आपके इंग्लैंड में एक बड़ा शहर है जिसे हम लोग मैनचेस्टर के नाम पर जानते हैं, तो मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, वहाँ पर सूती कपड़े की है उद्योग लगे हैं, सूती कपड़ा, सूत यानी कॉटन, कॉटन यानी कि कलर हुआ वाइट, और अब वाइट कलर के क्लॉथ्स को कलर बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए इंडिगो का डाई प्रयोग किया जाता है, इंडिगो का डाई बनाया जाता है। और उस इंडिगो को प्राप्त करने के लिए चूंकि यूरोप का क्लाइमेट ही ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इन सारी चीज़ों की खेती हो सके, तो वो अपनी कॉलोनीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो इंडिया जैसी कॉलोनी पर नील की खेती होती है, बंगाल के इलाके में ये नील की खेती अच्छी होती है, चूँकि डिमांड ज़्यादा है तो बड़ी सीधी सी बात है लोग उसकी खेती करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि जिस खेती से पैसा मिले, और अगर आपका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है तो आप खेती करेंगे, तो अधिकतर किसान हैं तो वो नील की खेती करते हैं, अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नील की खेती के कुछ नुकसान दिख रहे हैं, जैसे अगर हम लोग नील की खेती की अगर बात करें तो इनसे खेत, जो नील की खेती का खेत हो रहा है वो ऊसर होता चला जा रहा है,
बंजर होता चला जा रहा है। जितने इलाके में नील की खेती की जाती है तो उस नील की वजह से, उस नील की का खेती का असर ये होता है कि वो ज़मीन खराब होती जाती है, उस पर आप कोई चीज़ फसल नहीं ले सकते। तो किसान इस बात को लेकर थोड़े परेशान हैं। अच्छा, अब वो जब ज़मीन बंजर हो रही है तो उनका जो दूसरा प्रमुख उत्पादन है जो कि धान है, तो धान का उपज हो नहीं पा रहा है क्योंकि ज़मीन खराब होती जा रही है। तो वो अब इस नील की खेती से थोड़ा सा आज़ादी चाहते हैं, और लेकिन चूंकि अच्छा पैसा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उस ओर चल पड़े। और जो आपके ज़मींदार हैं, विशेषकर अंग्रेज़ ज़मींदार, वो किसानों को इस ओर पहले तो जिसे कहते हैं ना इनकरेज कर रहा है, इनकरेज भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही उनके लिए मुसीबत भी बनने वाली है। इस बीच जो भारत का जो नील है, उस नील की समस्या ये है कि भारत का नील पाउडर फॉर्म में बना हुआ है। अब पाउडर फॉर्म के नील को घर में देखा होगा, मम्मी जब व्हाइट कलर के चादर या रजाई गद्दे के खोल वगैरह धोती होंगी तो उसे नील लगाकर धूप में सुखाती ताकि वो चमक जाए। तो नील लगाया जाता है चमक लाने के लिए। तो इसी प्रकार से उसे देर तक रखेंगे तो रंग भी बदल जाएगा, उसका अपना एक टर्म होता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का पाउडर वाला नील जो पानी में डाला गया, उसको डाइल्यूट किया गया, अक्सर पाउडर वाले नील की एक समस्या आती है, वो समस्या ये कि वो अपने दाग धब्बे छोड़ देता है। इस वजह से कई एक कपड़े खराब हो रहे हैं। तो इस समस्या का निपटारा क्या हो, कैसे हो, कि जर्मनी ने एक कमाल का काम कर दिया। और जर्मनी ने कमाल का काम देके, जर्मनी की मजबूरी बन गई थी कि वो ऐसे काम को करे। और वैसे भी जर्मनी की जो इंजीनियरिंग है वो आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग में, सबसे बेहतरीन तकनीकी क्षेत्र में आता है। आज भी दुनिया के जो बड़े बड़े टूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े आपकी मशीनरीज हैं, वो आपकी वहीं पर बनती है। मर्सिडीज बेंज जैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रिय जो कारें वगैरह हैं, सब कुछ वहीं पर हैं। और इसी तरह से अगर आप ऑडी की बात करें, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी कार कंपनियां हैं, वो सब वहीं पर हैं। फॉक्स वैगन ग्रुप में आता है। तो कुल मिलाकर ये अब आपका जर्मनी के साथ समस्या है कि वहाँ पर कॉटन कपड़े के लिए जो नील नील पर चुके अधिकार ब्रिटेन का है, तो ब्रिटेन अपने हिसाब से नील के बाजार का मूल्य निर्धारित कर देता है। जर्मनी ने समस्या से निपटारा पा लिया। दो समस्याएं हैं, एक तो कपड़ा खराब हो रहा है, दूसरी कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने बनाया है एक सिंथेटिक नील, सिंथेटिक इंडिगो, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और बिल्कुल आपने देखा होगा टीवी में एक प्रचार, चार बूंद डाला फिर उजाला ही उजाला, उसी तरह से काम करता है। दाग धब्बे का कोई चक्कर नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, और आसानी से पानी के अंदर डाइल्यूट हो जाने वाला एक लिक्विड तैयार कर दिया। इसका असर ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील की जो मांग थी वो कम हो गई, एक कारण। दूसरा कारण, 1917 जो आप अगर साल देख पा रहे हैं, वो इस आंदोलन का लिखा हुआ है 1917। 1917 का जो साल है ये यूरोप के लिए एक थोड़ा सा कष्टकारी साल चल रहा है, क्योंकि यूरोप में चल रहा है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अब आपको देखिए, जब युद्ध की परिदशा आ जाएगी तो आदमी नील फील के चक्कर में तो पड़ेगा नहीं, ना देश ना उद्योग। तो कहीं ना कहीं नील की जो एक मांग चल रही थी वो मांग कम हो गई है, और भारतीय नील की मांग तो वैसे भी कम हो गई है, लेकिन यहाँ का जो जमींदार है वो किसानों से कुछ एक ऐसा समझौता कर बैठा है। उस समझौते को हम लोग तिनकठिया समझौते के नाम पर जानते हैं। हम आपको लिख दें तो आपको बताते हैं ताकि वो आपको क्लियर होता रहे, एक एक करके सारी एक लाइन। उसे तिनकठिया समझौता कहा जाता है, तिनकठिया समझौता। और इसे एक और तरीके से लिखा जाता है ब्रैकेट में करके 3/20। तो तिनकठिया समझौता, उसके आगे एक मैथमेटिकल वैल्यू लिख दी गई है 3/20, 3/20। बेसिकली ये है कि आपके जो 20 वाला हिस्सा है ना, 20 बिसवे का एक बीघा, एक बीघे के तीसरे हिस्से पर किसानों को खेती करनी ही है नील की। ये अंग्रेजी जमींदारों के द्वारा की जा रही एक जबरदस्ती है। किसान नहीं चाहता है नील उपजाना क्योंकि उससे उसे नुकसान मिल रहा है, इसलिए वो नील की खेती करना नहीं चाहता, वो चावल की खेती करना चाहता है। लेकिन इस जमींदारी के जिद की, जमींदारी की मार की वजह से वो बेचारा परेशान है, और इसीलिए वो इस तिनकठिया समझौते को तोड़कर, समाप्त करके अपनी जमीन पर चावल जैसी खेती का उत्पादन करना चाहता है।
अब राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इस आंदोलन को गांधी जी ने शुरू किया, ये आंदोलन पहले से चलता चला आ रहा है। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं, अगर एक बड़े नेता की बात कर लें तो वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद प्रमुख नेताओं के तौर पर हैं। इनके साथ साथ ब्रज किशोर हैं, नरहरि पारेख हैं, जे बी कृपलानी हैं, महादेव देसाई हैं, राजकुमार शुक्ला साहब हैं। तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो नील की खेती का और नील के जमींदारों का विरोध कर रहे हैं। तो अब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गांधी जी चंपारण में प्रवेश करते हैं, चंपारण के कमिश्नर के द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया और गांधी जी को तुरंत चंपारण छोड़ने की बात कह दी गई। लेकिन गांधी जी किसी भी कीमत पर चंपारण छोड़ने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा कि यार अगर वास्तविक रूप से कोई ऐसी परेशानी अगर अंग्रेज़ न दे रहे होते तो कमिश्नर को मुझे जाने की बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें उनको लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो है। किसानों से मुलाकात होती है। अच्छा, गांधी जी के आंदोलन करने का, आंदोलन चलाने का अपना एक अलग तरीका था। वो किसी भी आंदोलन के पहले तो मूलभूत समस्या पर जाते थे। वो समस्या सही है कि गलत है उसकी भी जानकारी हासिल करते थे। तो उन्होंने समस्या समझी, समस्या समझने के बाद उन्होंने वहाँ के किसानों से, चंपारण के किसानों से मुलाकात करना शुरू कर दिया। एक पूरा एक एप्लीकेशन लिख दिया जिसमें किसानों के हस्ताक्षर लिए गए, लगभग लगभग 70,000 किसानों के द्वारा। अब हो सकता हो ये फिगर जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता हो ऊपर नीचे हो, लेकिन ढेर सारे किसान, चलिए फिगर जाने दीजिए, तो ढेर सारे किसानों के उस पर हस्ताक्षर ले लिए गए। तो ढेर सारे किसान उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और वही हस्ताक्षर वाला पत्र आगे बढ़ाया जा रहा है। वो अलग बात है कि गवर्नर भी गांधी जी को, कमिश्नर भी गांधी जी को मना कर रहा है। एक बड़े नेता हैं, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जनगण मन अधिनायक जैसा गीत लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरुआत में गांधी जी का इस प्रकार का आंदोलन का विरोध किया है। क्यों किया, किस लिए किया, वो बात दूसरी है और उससे मतलब भी नहीं है। लेकिन शुरुआत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध किया। अब वो अलग बात रही कि आगे चलकर उन्होंने जब कॉन्सेप्ट समझा तो समर्थन भी किया। आंदोलन की सफलता के बाद उन्होंने महात्मा जैसी उपाधि तक दी है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर अब गांधी जी चंपारण, किसानों से मुलाकात। किसान नहीं चाहता है कि वो खेती करे, जमींदार जबरदस्ती कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर में इंडिगो की डिमांड कम हो चुकी है, ये सारी परिस्थितियाँ बनती चली जा रही। तो सब लोगों से मुलाकात हो रही है। अब कमिश्नर के द्वारा इस बात को संज्ञान में लिया गया और एक कमेटी बनाई गई है कि साहब चलिए चंपारण किसानों की जो समस्या है उसकी वास्तविक जो रियल पोजीशन है उसकी जानकारी के लिए एक आपको समिति बनाई जाती है। उस समिति में गांधी जी को भी शामिल किया गया है। गांधी जी के पास पहले से ही किसानों के हस्ताक्षर वाले लेटर हैं जो पड़े प्रमाण के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, तो अब वो रख दिए गए हैं। भाई साहब ये लीजिए आप। तो कुल मिलाकर अब जब पुष्ट प्रमाण दिए जाने लगे तो अब कमिश्नर ने उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया है। और कमिश्नर ने जो रिपोर्ट आगे बढ़ाया, उस बढ़ाई हुई रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया गया उस ज़माने के जो वाइस रॉय हैं, जिन्हें हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर जानते हैं। तो अब ये रिपोर्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पास चली गई है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इस पर एक तुरंत एक्शन लिया, एक तुरंत आदेश पारित कर दिया कि किसान आज़ाद है, वो अपनी ज़मीन पर जो चाहे वो उगा सकते हैं। जमींदारों के द्वारा जो किसानों से धन वसूली की गई है, उस धन वसूली को जो किया गया वो पैसा वापस किया जाए। पूरा पैसा तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग लगभग 25% तक की धनराशि जो जमींदारों ने जबरदस्ती वसूल की है किसानों से, वो वापस कर दी जा रही है और किसानों को मुक्त करा दिया गया है। किसान अब पूरी तरह से आज़ाद है, वो अपने खेत में जो चाहे वो उगा सकता है। और चूँकि गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा है तो इस सफलता से आगे चलकर, चूंकि किसानों से जुड़ा आंदोलन था, सफल हुआ, तो गांधी जी एक बड़े किसान नेता के रूप में स्थापित होते चले जाते हैं। और अब उन्हें वही रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको जो कभी विरोध कर रहे थे हमारे गांधी जी का, उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने
अब गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी है, यहीं से हमारे गांधी जी महात्मा कहलाए जा रहे हैं। उनके नाम के आगे महात्मा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर पुकारा है, और यहीं से हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव की टाइटल दी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये आंदोलन सफल हुआ। राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, इन सभी लोगों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया है, और राजेंद्र प्रसाद तो अब गांधी जी के साथ मिलकर देश की आज़ादी में एक बड़ा योगदान देने वाले हैं। भविष्य में वो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक बुनियाद खड़ी करेंगे। गांधी जी हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को राजेंद्र बाबू कहा करते थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से उनका एक बड़ा नाम, एक बड़ा रुतबा जो है दिखाई पड़ता है। अब हमारे गांधी जी वापस चल पड़े हैं चंपारण से, और वापस चलकर वो पहुंच गए हैं अपने साबरमती आश्रम में। साबरमती आश्रम जो है वो आपका जो इस इलाके में आता है वो है अहमदाबाद का इलाका। अहमदाबाद के इस जगह पर, अहमदाबाद जिसे हम लोग आजकल भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जिसे अहमदाबाद कहा जा रहा है, यहाँ पर जो सूती कपड़ा की मिलें लगी हुई हैं, जो कॉटन मिल्स लगी हुई हैं, तो कॉटन मिल्स में के आसपास के इलाकों में एक बीमारी फैल गई है जिसे प्लेग कहा जाता है। तो इस इलाके में एक समस्या पैदा हो रही है, और वो समस्या है एक बीमारी जिसे प्लेग कहा जाता है, PLAUGE, प्लेग। तो एक बीमारी है जो कि चूहे से फैलती है। चूहे से फैलने वाले इस बीमारी को उस ज़माने में प्रॉपर इलाज नहीं हुआ करता था, अब तो खैर ख़त्म कर लिया गया। 1993 के बाद से भारत में कोई भी प्लेग का पेशेंट नहीं मिला है, यानी भारत को प्लेग फ्री कंट्री के तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, तो उनमें से एक मिल ऐसी भी है जो कि एक गुजराती उद्योगपति जिनका नाम अंबालाल साराभाई है, उनका मिल है, जहाँ पर प्लेग फैल गया है। तो प्लेग से बचने के लिए करीब करीब ढेर सारा प्लेग बोनस दिया जा रहा है। कुछ किताबें 35% का उल्लेख करती हैं, कुछ किताबें 75% का उल्लेख करती हैं। तो ढेर सारा प्लेग बोनस के नाम पर धनराशि दी जा रही है, जो कि बेसिक सैलरी से ज़्यादा होके दी जा रही है, यानी जो भी उनको बेसिक सैलरी मिल रही होगी उसका लगभग लगभग या शायद 35% या शायद 75%, जो भी रहा होगा वो ज़्यादा दिया जा रहा है। अब ये जो अतिरिक्त धनराशि प्लेग बोनस के नाम पर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस अतिरिक्त धनराशि से जो एक सामान्य उस जमाने का कर्मचारी वर्ग का व्यक्ति है, उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सहूलियत आ रही है। कारण इस अतिरिक्त धनराशि के फायदे जो मिल रहे हैं, जो किसानों को और जो मजदूरों को लाभ मिल रहा है, वो ये कि इस वक्त हमने अभी चर्चा किया कि साहब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर के कारण चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, बेतहाशा वृद्धि हो गई है, और चीज़ों के जब दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, तो मजदूर चाहता है अपने मालिक से कि उनकी सैलरी इन कंपैरिजन बढ़ाई जाए, जितनी वृद्धि हुई है वस्तुओं के मूल्य का उसके हिसाब से बढ़ा दिया जाए। प्लेग बोनस के नाम पर जो अतिरिक्त धन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ सहूलियत मिल रही है। कुछ दिनों के बाद सरकार के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि प्लेग खत्म, तो बोनस भी खत्म का ऐलान कर दिया गया। मजदूर कहते हैं कि साहब बोनस खत्म ना किया जाए। कुछ किताबें कहते हैं कि 75% की जगह पर उन्होंने 50% की बात कही है, कुछ जगहों पर 20% की बात कही जा रही है कि साहब इसको रिटेन कर दिया जाए। तो अब वो बोनस खत्म ना किया जाए, उसका कुछ हिस्सा जरूर कम कर लिया जाए, लेकिन बोनस दिया जाए, क्योंकि ये वो अतिरिक्त धन है, वो एक्स्ट्रा मनी है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मदद दे रही है। तो जो वृद्धि होनी चाहिए, वेतन में जो वृद्धि होनी चाहिए, आप इस बोनस को उसी में जोड़ दें, आप इसे खत्म ना करें, जोड़ दें। इंडिया, और इंडिया चूंकि भी ब्रिटिश कॉलोनी है, तो जो कैपिटलिज्म जिसे पूंजीवाद कहा जाता है वो भारत पर हावी है। तो पूंजीवाद किसी भी लाभ में या किसी भी तरह से अपने मजदूरों को ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहता है, पूंजीवादी सोच का एक परिणाम होता है। तो उन्होंने बोनस ख़त्म कर दिया और सैलरी बढ़ाने की बात को इनकार कर दिया। जब सैलरी बढ़ाने की बात का इनकार कर दिया गया, तो मजदूर जो है वो हड़ताल पर चले गए।
मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं। जो मिल मालिक अंबालाल सारा भाई हैं वो भी इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि ठीक साहब काम मत करो, हम बोनस तो नहीं देंगे। मजदूर हड़ताल पर सब कुछ इस तरह की परेशानी आ रही है। और अब जो है कुल मिलाकर गांधी जी अपने साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं, तो जो मिल मजदूर हैं वो लोग चलकर अब गांधी जी से इस आंदोलन में आने की बात करते हैं। तो गांधी जी चल पड़े। गांधी जी का साबरमती आश्रम और अहमदाबाद का जो मिल है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। उस ज़माने में का मोटरसाइकिल कार इतनी फैसिलिटी तो थी नहीं, तो पैदल ही चल पड़े गांधी जी। हमारे गांधी जी बड़ा तेज पैदल चला करते थे, हल्के फुल्के शरीर के आदमी थे तो थोड़ा सा उनकी गति भी तेज हुआ करती थी। तो गांधी जी हमारे चल पड़े हैं साबरमती आश्रम से अहमदाबाद मिल की ओर। और रास्ते में उन्हें जब सारी बातों की जानकारी मिली, मालूमात मिला, तो अब उन्होंने मिल पर जाते हुए मजदूरों ने गांधी जी को देखा, जिंदाबाद के नारे के साथ उनका स्वागत किया। गांधी जी ने वहाँ पर किसानों को, मजदूरों को एक सांत्वना दी कि हम लोग इसके लिए युद्ध करेंगे, हम लोग इसके लिए अपना आपका जो संघर्ष है मैं साथ हूँ आपके। और यहीं पर एक नई जानकारी मिली कि जो अंबालाल सारा भाई हैं वो गांधी जी के मित्र भी हैं, और साबरमती आश्रम बनाने में जिस एक उद्योगपति ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया हुआ है वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो अंबालाल सारा भाई ही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मज़दूरों में एक थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट आया कि चलो बढ़िया हुआ, कुछ भाई मित्र हैं तो अच्छा बात हो जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था बन सकती है। अब गांधी जी ने और अंबालाल सारा भाई के बीच की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया है। अंबालाल सारा भाई गांधी जी के इस रुख से बड़े नाराज़ हो गए हैं, और कहीं ना कहीं जो दोस्ती थी, जो एक आपस का संबंध था, वो टूट गया। गांधी जी बाहर आए, मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की, पूरे जो घटना घटी उसका वृत्तांत दिया, और ऐसा हुआ ये हो गया, फाइनली कुल मिलाकर हम लोगों को अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अब उन्होंने वहाँ पर अपना वही कान मजदूरों के साथ अपनी हड़ताल शुरू की है, और इस कंपनी के जो मालिक है जिनका नाम अंबालाल सारा भाई है, उनकी बहन है जिनका नाम अनुसुईया बेन है, वो मजदूरों की मांग का समर्थन करती हैं। उनका ये मानना है कि मजदूरों की जो मांग है बोनस को लेकर, 35% बोनस को लेकर, वो बिल्कुल ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बोनस जो है दिया जाए उनको, 50 या 35% जो भी मांगे वो बोनस उनको दिया जाए, उसका वो पक्षधर है। तो गांधी जी के साथ अब अनुसुईया बेन आ गई हैं, और उन्होंने अपने भाई के ज़िद्दी स्वभाव के बारे में बताया कि मेरे भाई जो हैं वो बड़े ज़िद्दी स्वभाव के आदमी हैं। तो गांधी जी ने भी अनुसुईया बेन से कहा कि देखो अनुसुईया, मैं मानता हूँ इस बात को लेकर कि अम्बा एक ज़िद्दी प्रवृत्ति का होगा, लेकिन तुम लोगों को शायद ये नहीं पता है कि मैं भी एक ज़िद्दी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, और मैंने अगर अपनी ज़िद कर ली तो फिर मानना तो पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों किया जाए। एक बार की और मीटिंग होती है, अनुसुईया बेन ने इस बार दोनों लोगों को फिर से मिलाया, मुद्दा फिर वहीं फंस गया आकर, दोनों लोग अपने अपनी बात पर अडिग रहे, और फाइनली मामला ख़त्म, कुल मिलाकर कोई समझौता नहीं। गांधी जी बाहर आते हैं, मजदूर जो बड़ी उम्मीदों के साथ गांधी जी की ओर देख रहे हैं, गांधी जी से बड़ी जो एक अपेक्षा है, कई दिन हो चुके हैं हड़ताल वाले, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी थोड़ी निराशा भी आ रही है। अब गांधी जी बड़े पेशोपेश में हैं, क्या करें, मजदूरों की निराशा, मजदूरों के साथ होने वाली ये पूरी घटना कहीं ना कहीं उनको झकझोर रही है। तो फाइनली गांधी जी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है, और वो बड़ा एक्शन है भूख हड़ताल। गांधी जी ने आह्वान कर दिया भूख हड़ताल का, कि अब वो भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। और सवाल आपसे पूछा जाएगा, गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पर किया? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का जो आयोजन किया था वो आपका अहमदाबाद के इसी मिल आंदोलन के दौरान किया है, ठीक है? तो ये गांधी जी की भारत की पहली भूख हड़ताल है। वैसे इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में भूख हड़ताल कर चुके हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन अब यहाँ पर वो अपनी भूख हड़ताल को जारी रखते हैं, और ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक मजदूरों की मांग पूरी नहीं कर ली जाएगी। तो ये गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल है। इस बीच एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है
दोनों ओर से बातचीत की सिलसिला शुरुआत किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो ट्राइब्यूनल बनाया गया है और ट्राइब्यूनल जो बना है उसमें अब जो सदस्य हैं वो पूरी पड़ताल करते हैं, दोनों दलों की, दोनों हिस्सों की पूरी पड़ताल करते हैं। उसमें उन्होंने अपना रिपोर्ट लगाया, कि रिपोर्ट ये है सर कि कंपनी की माली हालत इतनी नहीं है कि वो आपको 50% का बोनस दे पाए और इतना बड़ा आर्थिक बोझ हम कंपनी पर डाल नहीं सकते। ये बात भी सच है कि जो वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट आगे बढ़ा है, उस हिसाब से मजदूरों की वेतन वृद्धि भी जरूरी है, वो जरूरी होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग, मतलब दोनों मुद्दों को ये ट्राइब्यूनल बीच में रखकर मामला सुलझाना चाहता है। गांधी जी ट्राइब्यूनल के सदस्य के तौर पर हैं, सदस्य क्या है, मतलब उन्होंने भी ट्राइब्यूनल की बातों को सुना और अपनी बात को वहाँ पर रखा। तो फाइनली ये तय कर लिया गया कि अब वो जो मजदूरों की मांग चल रही है वो नहीं होगी, यानी 50% बोनस नहीं दिया जा पाएगा। तो अब ट्राइब्यूनल ने 35% के बोनस की मांग को, यानी बात को रख दिया है, जिसे मालिक भी मान गए हैं और आपके मजदूर भी मान गए, क्योंकि दोनों लोग का लॉस हो रहा है, तो एक मध्यम मार्गी रास्ता रास्ता मिल रहा है। तो इसलिए दोनों लोग तैयार हो गए हैं इस बात को समझने के लिए कि भाई चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर ये दूसरा जो आंदोलन है गांधी जी का, ये भी सफल हो गया। तो दो बड़े सफल गांधी जी के आंदोलन, छोटे ही हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं कद बहुत बड़ा दे रहे हैं। और एक अच्छी बात ये है कि टीम जो वर्क होता है, जो एक जोड़ने की, जनता को जोड़कर अपने साथ लाने की कवायद है, जो प्रयास है, उसमें गांधी जी सफल दिख रहे हैं। यही ज़रूरत थी आने वाले समय की राजनीति में, इसी बात की आवश्यकता थी जो कि ये पूरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें आपकी अब समझ में आ रही हैं कि आने वाले समय में गांधी जी एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। अभी मुक्ति नहीं मिली है, अभी अब एक और बड़ा आंदोलन, वो भी गुजरात के ही लोकल लेवल पर होने वाला है, और वो है एक खेड़ा मूवमेंट, जो कि 1917-18 वाले साल में ज़्यादा लंबा चला है, जिसे खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा आंदोलन के नाम पर जाना जाता है। खेड़ा आंदोलन का जो कारण है वो है लगान की दर का बढ़ जाना, जो टैक्स रेट है, लैंड रेवेन्यू जो रेट है, लगान की दर को बढ़ा दिया जाना। तो कहीं ना कहीं लगान की दर बढ़ा दी गई है, जबकि यहाँ पर फसल खराब हो गई है, यानी कि जो लगान है उसकी दर तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन अंग्रेजी सरकार, स्पेशली गुजरात का कमिश्नर, इस टैक्स रेट को बढ़ा चुका है। तो किसान इसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि साहब गलत बात है, फसल खराब हो गई है, और ये अंग्रेजी सरकार का ही एक घोषणा है कि अगर फसल खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में नियतांक देखा जाएगा, उस कंडीशन में फसल की जो लगान होगी वो कम करनी है। कितनी कम करनी है? इतनी कम करनी है कि नहीं भी देना है? तो ये सारे पहले से दिए गए एक प्रकार के ऑर्डर हैं, यानी कुल मिलाकर एक ऑर्डर ये पास हो चुका है कि लगान आपका नहीं लिया जाएगा अगर फसल इतनी ज़्यादा खराब हो गई है तो। लेकिन गुजरात का कमिश्नर टैक्स रेट बढ़ा चुका है, इसी बात को लेकर यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। और किसानों का साथ देने वाले जो यहाँ के लोकल लीडर हैं, उनमें एक नाम आता है इंदुलाल का, पूरा नाम इंदुलाल याज्ञनिक है, इंदुलाल मोहनलाल, ठीक, वल्लभ भाई पटेल। देखिए मैं सरदार शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरदार की उपाधि हमारे वल्लभ भाई पटेल को 1928 के बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी जाएगी, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल, तो ये वहाँ के लोकल लीडर हैं, और पेशे से ये तीनों जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं वो ये तीनों लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों लोग जो पेशे से वकील भी हैं, इनके पास वो पुराना इंग्लिश ऑर्डर है जिसके बल पर वो इस बात को कह रहे हैं कि किसानों को लगान देने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच अब गांधी जी खेड़ा की ओर चल पड़े हैं, और करीब करीब फरवरी के आसपास की बात है
कि वो खेड़ा पहुंच रहे हैं। खेड़ा पहुंच कर उन्होंने इन सभी लोगों से और खासकर वो प्रभावित वल्लभ भाई पटेल से बहुत ज़्यादा है तो सभी किसानों से बात की, इन नेताओं से बात की और एक गुजरात सत्याग्रह सभा का गठन कर दिया। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए गुजरात सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। गांधी जी इस गुजरात सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष बन गए हैं और इसमें कई लोगों को, इन लोगों को भी शामिल किया गया। अध्यक्ष स्वयं गांधी जी हैं और अब इस जगह की पूरी वास्तविक स्थिति क्या है इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वास्तविक दशा ये है कि साहब वास्तव में फसल खराब हो गई है, किसान इस हालत में नहीं है कि वो लगान दे पाएंगे और इस पूरी जांच पड़ताल में एक संस्था ने मदद किया है जिसे हम लोग सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम पर जानते हैं। याद होगा जब हम लोग कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था है जिसका नाम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और गुजरात सत्याग्रह सभा ने मिलकर रिपोर्ट दिया है, निष्कर्ष निकाला है कि किसानों का लगान माफ़ कर देना चाहिए, ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है। उधर 22 मार्च तक आते आते 1918 वाले साल में गांधी जी ने पूरी तरह से आंदोलन अपने हाथों में रख लिया है और अब आंदोलन आगे बढ़ता है। पूरी रिपोर्ट जो कि गुजरात सत्याग्रह सभा और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने दी है, इस पूरी रिपोर्ट को उस जमाने का जो वायसराय है जिसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर जाना जाता है उसको दिया गया है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने अब उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए एक बहुत बड़ा कारण है, चंपारण आंदोलन में रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया गया, अहमदाबाद में कहीं ना कहीं वो तो क्या लोकल प्रॉब्लम थी, वायसराय का मतलब भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी आते आते वायसराय तक का मामला पहुँचता और तैयार हो गए, उसका देखिए एक बड़ा कारण है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्योंकि इंग्लैंड एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव में है जिसे वर्ल्ड वॉर कहा जा रहा है। वर्ल्ड वॉर में वो भारत का एक प्रकार का समर्थन भी चाहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे बड़े ना बन जाएं, वो वर्ल्ड वॉर में कहीं सिचुएशन ख़राब ना कर दें, इस वजह से इन सारी बातों को माना भी जा रहा। और ये गांधी जी का करिश्माई नेतृत्व भी है कि वो लोगों को इकट्ठा करते हुए इन सारी बातों को एक बड़े दर्जे तक लेकर चले जाते हैं, तो ये आंदोलन भी सफल हो गया। गांधी जी ने अब उनके पास एक आदेश आया है कि जो किसानों को लगान मुक्त कर दिया गया है, आपको को लगान नहीं देना है, लेकिन गांधी जी ने एक रिक्वेस्ट किसानों से की है कि आप में से वो किसान जो लगान दे सकने की स्थिति रखता है पुराने रेट से, वो लगान दे सकता है और अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो लगान जमा करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीन आंदोलन सफल होते दिख रहे हैं और गांधी जी का नाम और रुतबा बड़ा होता जा रहा है। पुराने सीनियर लीडर्स जो है वो सीनियर और प्लस मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो खाली होती जगह को भरने में एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में गांधी जी दिख रहे हैं। जहां पर ये लोकल इवेंट्स चल रही हैं वहीं पर इंडिया लेवल पर अगर देखें तो कुछ बड़ी घटनाएँ हैं, खासकर वो बड़ी घटना जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर। तो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है और ये बढ़ता हुआ आंदोलन अंग्रेज़ों के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन चुका है। क्या करें, क्या ना करें, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, बड़े पेशोपेश दशा में है। इस बीच वर्ल्ड वॉर की दशा में फंसा हुआ इंग्लैंड भारत को और भारतीयों को ये कहता है कि वो विश्वयुद्ध के इस परिदशा से, इस परिस्थितियों से निकलेगा तो भारत के लिए कुछ विशेष उसके पास है, यानी कुछ अच्छी बात होने की बातों को बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है भारत को जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है और वो गिफ्ट है एक ऐसा कानून जिसमें मानवीय जीवन के अधिकार को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। और इस कानून को बनाने वाले इंग्लैंड के एक जज हैं जिनका नाम सिडनी रोलेट है और उस कानून को हम लोग रोलेट कानून के नाम पर जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कानून पारित किया जा रहा है जो कि अब भारत को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे देगा। यही वो दौर होगा जहां से गांधी जी का एक राष्ट्रीयकृत नेतृत्व दिखाई पड़ेगा, एक नेशनलाइज्ड लीडर, एक नेशनल लीडर यहाँ से गांधी जी के पूरे कद में दिखाई पड़ेगा जो 1947 तक चलता दिखाई पड़ेगा।
यहीं से वास्तविक तौर पर जो गांधीवाद युग है वो इसी कानून के बाद से शुरू होता दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल आज हम लोग ने जो चर्चा की है वो चंपारण है, वो हम लोगों का अहमदाबाद है, वो हम लोगों का खेड़ा है। तो आज की चर्चा को हम लोग इसी शुरुआती आंदोलन तक रोकते हैं और अगली मुलाकात एक बड़े कानून के साथ जिसके विरोध के साथ होगा, उसे रौलट एक्ट के नाम पर जाना जाता है। तो तब तक के लिए हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई जो पुरानी है उसको रिवाइज करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।